मैंने टाइटल में ही लिखा है, छप्पर फाड़ कर देने वाला ग्रह राहु, राहु को अपना दोस्त बनाए। दोस्तों, वैसे तो शनि राहु और केतु के लिए मैंने अनेक उपाय और अनेक प्रयोग आपके साथ शेयर किए हैं। आज जो उपाय शेयर कर रहा हूँ वो राहु के लिए है। अचानक देने वाला राहु, वैसे राहु केतु का कोई अस्तित्व नहीं है, छाया ग्रह है, पात बिंदु है, मगर हमारे जीवन के ऊपर ग्रहों में स्थान मिला है राहु केतु को और हमारे जीवन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव रहता है। ये सभी जानकारी मैंने मेरे पुराने वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी है, अनेक वीडियोज में ये बात मैंने शेयर की है। तो राहु को दोस्त बना लेते हैं। अब दोस्त कैसे बनाए राहु को? अचानक देगा और छप्पर फाड़ कर देगा। दोस्तों, मानते हैं नहीं मानते वो अलग बात है, आपको जैसी कमेंट करनी है वैसी कमेंट करें, मगर ये जो उपाय शेयर कर रहा हूँ ये उपाय मैंने कुछ जन्म कुंडली बर्थ चार्ट देखकर कुछ लोगों को दिया है। ये उपाय वो लोगों ने ये उपाय किया है और उनको फायदा भी हुआ है। मैंने ये 2024 की जनवरी में महीने में एक वीडियो शेयर किया था कि ये शनि की साल है और राहु का प्रभाव बढ़ेगा। 2024 शनि की साल है और राहु का प्रभाव बढ़ेगा, और राहु के लिए मैंने एक उपाय शेयर किया था चार का अंक वाला। वो वीडियो शायद आपने देखा होगा, कई भाई बहन वो उपाय करते भी है और मुझे मैसेज भी देते हैं कि हमको फायदा हुआ है। तो वैसा ही उपाय है आज का ये उपाय। कुछ अजीब सा लगेगा मगर आजमाया हुआ है, रिजल्ट मिला है, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। अपेक्षा रखूंगा बिना स्किप करे वीडियो को देखेंगे, उपाय को ठीक से समझेंगे। कमेंट में आपको कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा क्योंकि कमेंट में मैं लंबे उत्तर नहीं दे सकता हूँ। कुछ नियम है और हमारी भी कुछ मर्यादा है कि लंबे उत्तर कमेंट बॉक्स में हम नहीं दे सकते हैं। ये उपाय आप शनिवार के दिन करेंगे, कितने शनिवार करना है आपकी मर्जी। महीने में जितने शनिवार करें उतना शनिवार आप ये उपाय करते रहे। आपके बर्थ चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में राहु कोई भी भाव में है, कोई भी राशि में है, कोई भी ग्रह के साथ में है, आपकी कोई भी राशि है, आप ये उपाय कर सकते हैं। आप कोई भी धर्म से है, कोई भी प्रांत से है, आप ये उपाय कर सकते हैं और कोई भी अवस्था में ये उपाय कर सकते हैं। ये पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम। ऐसी जानकारी में रुचि रखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं, छोटे से प्यारे से परिवार के साथ आप भी जुड़ जाएं। हर दिन की तरह छोटी रिक्वेस्ट, नम्र अर्ज, कमेंट बॉक्स में बिना भूले भगवान श्री राम का नाम जय श्री राम उसे लिखें। अधिशकन का काम है बिना जय श्री राम लिखे आप वीडियो बन नहीं करेंगे, चैनल छोड़कर नहीं जाएंगे। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आपको समस्या का समाधान चाहिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें। जो भी समस्या है आपकी, वो समस्या का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक अवश्य पहुंच जाएगा। छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी, सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल ना करें, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, मैसेज करके रख दें। नंबर नोट कर लो, 8732985130। नीचे डीपी बॉक्स में ये नंबर मैंने लिख कर रखा है। शनिवार के दिन सुबह में बाजरे की रोटी बनानी है, बाजरे के आटे की आपको एक रोटी बनानी है। दोस्तों, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था तो कुछ कमेंट आई थी कि बाजरा क्या है, बाजरा क्या होता है। वैसे साउथ इंडिया से कुछ कमेंट थी,
कुछ बंगाल की ओर से कमेंट थी कि बाजरा क्या होता है। वैसे तो हमारे यहाँ गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में बाजरा आसानी से मिल जाता है, फिर भी आपको बता दूँ ये है बाजरा। ये बाजरा है, जो बाजरी आती है उसके दाने थोड़े छोटे होते हैं, ऐसे ही होते हैं मगर छोटे होते हैं। तो ये बाजरा है, आप ठीक से देख लो, सभी जगह आसानी से मिल जाता है। अब आपके प्रांत में क्या नाम से बुलाते हैं, इसकी पहचानते हैं आप, क्या नाम इसका है वो मुझे मालूम नहीं है। हमारे यहाँ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में इसे बाजरा ही कहते हैं। एक बाजरे की रोटी आपको बनानी है, मगर रोटी बनाए उनसे पहले जब आटा तैयार करें बाजरे की रोटी का, ये काम सुबह में कर लेंगे, परिवार का भोजन बनाए उनसे पहले आप कर लेंगे। बाजरे की रोटी का आटा तैयार करें, उस आटे में 4 चुटकी काले तिल, 4 चुटकी काले तिल डाल दें। परिवार की बहन जब रसोई बहन बनाए उनसे पहले एक बाजरे की रोटी तैयार कर ले, 4 चुटकी काले तिल बाजरे की रोटी के आटे में डालकर, वो आटे से बाजरे की रोटी आपको पकानी है। पूरा दिन इस बाजरे की रोटी को आपके घर में ही रखें, कोई भी साफ सुथरी जगह पर आप ये बाजरे की रोटी को रख दें, बच्चों के हाथ ना लग जाए। वैसे पूरा दिन घर में ही बाजरे की रोटी को रख दे। अब सूर्यास्त के बाद, सूर्य अस्त हो जाए बाद में, परिवार का जो कमाने वाला व्यक्ति है, जिसकी कमाई से परिवार चलता है, वो सदस्य इस रोटी को लेकर घर से बाहर जाए। कोई मंत्र नहीं बोलना है, कुछ नहीं नहीं करना है, सिर्फ रोटी को लेकर घर से बाहर निकल जाए। घर से बाहर निकलने के बाद पश्चिम की ओर चलना है, वेस्ट की ओर चलना है। घर से बाहर निकले, आपका घर का मुंह कोई भी दिशा में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर बाहर निकलने के बाद, गली में से बाहर निकलते हैं, सोसाइटी में से बाहर निकलते हैं, बाइक लेके जा सकते हैं, गाड़ी लेके जा सकते हैं, चलकर भी जा सकते हैं, मगर पश्चिम की ओर चलना है आपको। सूर्य जिस दिशा में अस्त हुआ है वो दिशा में चलना है, और उपाय भी सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्य अस्त पश्चिम दिशा में होता है, वेस्ट में होता है। शनि राहु और केतु का उदय वेस्ट में से होता है, पश्चिम में होता है। सॉरी, अब आप चलते जाए, रास्ते में कोई भी बड़ा पेड़ आपको दिखाई दे, पेड़ कोई भी हो, बड़ा पेड़ दिखाई दे, ये बाजरे की रोटी वो पेड़ के नीचे रखकर घर वापस आ जाए, हाथ पैर मुंह धो ले। कितने शनिवार उपाय करेंगे? जितने शनिवार कर सकते उतने शनिवार उपाय करें, लगातार करें, कम से कम 9 शनिवार करें। कोई शनिवार छूट जाए, 9 से ज़्यादा शनिवार कर सकते हैं, कोई शनिवार छूट जाए घबराने वाली कोई बात नहीं है, भूल जाते हैं घबराइए मत, कुछ नुकसान नहीं होगा, मगर ये प्रयोग आप लगातार करते रहे। दोबारा बोलता हूँ, ये उपाय आप करते हैं तो राहु की शुभता, प्रसन्नता आपको अवश्य प्राप्त होगी, वो बात पे पूरा भरोसा रखें, क्योंकि ये आजमाया हुआ उपाय है, तो पूरे भरोसे के साथ आप ये उपाय करें। बस दोस्तों, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, दिल से थैंक यू, खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।